गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब जीव जंतुओं की निराली दुनिया के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया था कि जो डॉग्स होते हैं उनकी जो सुनने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, इसलिए किसी चीज़ को ढूंढने में या किसी का पता लगाने के लिए जो स्निफर जो डॉग्स होते हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। अर्थात पेज नंबर 65 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम पेज नंबर 66 करेंगे और 66 में डिस्कस एंड टेल, जिसमें पहला है वेयर डू फ्रॉग्स डिसअपीयर ड्यूरिंग समर, इसका मतलब कि गर्मी के दिनों में जो मेंढक होते हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं, अर्थात वो गर्मी के समय दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? वेयर डू मॉस्किटोज डिसअपीयर ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर, इसका मतलब ये है कि जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, ये सर्दी में, ठीक है, वो गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब हो जाते हैं, ठीक है, और हमें ये दिखाई नहीं देते, काफ़ी कम दिखाई देते, क्या कारण है इसके पीछे ये बताओ। हाउ डू दिस एनिमल्स गेट दियर फूड, इसका मतलब कि इन जीव जंतुओं को भोजन कैसे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर फ्रॉग्स सीन frequently during the rainy season, इसका मतलब ये है कि बरसात का जैसे ही मौसम आता है और बरसात होती है तब एकदम से मेंढक बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? Because frog lay eggs in water during rainy season, कि बरसात के समय में मेंढक जो हैं वो अपने अंडे पानी में देते हैं, इसलिए रेनी सीजन में ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, फोर्थ देखो, व्हाई आर मॉस्किटोज डिसअपीयर ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर, कि विंटर के समय ये मच्छर कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मॉस्किटोज डाई इन एक्सेसिव विंटर एंड सम हाइट इन कॉर्नर एंड एट सम अदर प्लेसेस, इसका मतलब ये है कि अत्यधिक सर्दी में कुछ मच्छर तो क्या होते हैं, मर जाते हैं, और कुछ बचे हुए जो मच्छर हैं वो अपने घर में इधर उधर कोने में छिपे रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं डिस्कस और टेल के बाद में डिम्पल, चंदर और कॉलोनी ऑफ आंट्स, इसके बारे में चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे चंदर ब्रो, Can I also live under water like a fish and fly like a bird? ठीक है, डिम्पल जो होता है वो बोलता है कि चंद्र भैया, क्या मैं मछली की तरह पानी के अंदर रह सकता हूँ और जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड हैं, उनकी तरह मैं उड़ सकता हूँ? फिर चंद्र बोलता है, डिम्पल, All living beings have their own special qualities. तब चंद्र बोलता है पिंपल को कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, मानव सहित जीव जंतु, उन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसका मतलब मानव, पक्षी, इंसेक्ट्स, जीव जंतु, ये सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, अर्थात भिन्न होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, कॉलोनी ऑफ आंट्स, अर्थात चींटियों का नगर या चींटियों का समूह। देयर इज एन आंट होल इन द कॉर्नर ऑफ सिमीज हाउस, इसका मतलब ये है कि सिम्मी के घर के कोने में चींटियों का घर बना हुआ था। आंट्स वर
entering into it forming a line. और जो चींटियां थी वो एक लाइन से इस घर के अंदर प्रवेश कर रही थी. The same way a lots of ants were seen moving under a pot in the garden. इसी तरह से बगीचे में गमले के नीचे बहुत सारी चींटियां जो है वो दिखाई दे रही थी. It was a bit moisture when the pots was removed. कि जब पोट को उठाया या गमले को हटाया तो नीचे देखा कि उसमें काफ़ी नमी थी. मिट्टी में क्या थी? काफ़ी नमी थी. इसी कारण वहाँ पे चींटियों का क्या था? एक विशाल समूह था. The ants, when the pots was removed, the ants started taking away the eggs. कि जब गमले को हटाया तो देखा कि जो चींटियां हैं वो अपने अंडे को लेते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी. Hearing Simmy, her mother told that ants live in colonies. They have their own world. तो जो सिमी की जो मदर थी उसने बताया कि जो चींटियां होती है उनका एक अपना अलग कॉलोनी होती है, अर्थात उनका नगर होता है और वो ग्रुप में रहती है. इनकी एक अलग दुनिया होती है. ठीक है. आंट्स लिव इन सोयल ट्रीज एंड एट सेफ प्लेसेस इन हाउसेस. कि जो आंट है वो जो चींटियां हैं वो मिट्टी में, पेड़ों के तनों में और घरों में सुरक्षित स्थानों पर अपना घर बनाती है. जहाँ उसे सुरक्षित लगेगा, सुरक्षा लगेगी और उसी जगह पर क्या बनाएगी? वो अपना घर बनाएगी. चाहे वो मिट्टी में बनाए, पेड़ के तनों में बनाए, चाहे आपके घर पे बनाए. ठीक है. तो सुरक्षित स्थान ढूंढती है और वहीं पर अपना घर बनाती है. फिर देखो यहाँ पे थिंक एंड टेल. What are the places where ants live? कैसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर ants, चींटियाँ रहती है, निवास करती है. Next देखो, why do ants march in line only? कि जो चींटियाँ हैं वो एक सीधी लाइन में क्यों चलती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चींटी चलते समय एक गंधयुक्त पदार्थ छोड़ती है. ठीक है. और उसी के पीछे पीछे जो चींटियां हैं अन्य वो उसका अनुसरण करती है. ड्यूरिंग विच सीजन डू आंट्स अपियर मोस्ट. कि कौन से सीजन में सबसे ज्यादा चींटियां दिखाई देती है? आपको पता ही है बरसात में. क्यों? क्योंकि नमी ज्यादा होती है इस समय. डू दे वर्क अलोन और कलेक्टिवली. जो चींटियां हैं वो एक साथ मिलकर कार्य करती है या अलग अलग करती है? आपको पता है कि जो चींटियां हैं वो एक समूह में कार्य करती है, अर्थात मिलजुल के साथ रहते हुए कार्य करती है. नेक्स्ट पैराग्राफ. मदर सेड टू डिंपल एंड चंदर, सी आंट्स डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली. तो जो डिंपल और चंदर की जो मदर होती है वो उनको बताती है कि जो चींटियां हैं वो अपने घर में एक साथ मिलजुल कर कार्य करती हैं. यू शुड ऑल्सो वर्क टुगेदर. तुम लोगों को भी मिलजुल कर ऐसे ही कार्य करना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दियर ड्यूटीज आंट्स आर कॉल्ड क्वीन आंट, वर्कर आंट एंड सोल्जर आंट्स. इसका मतलब कि चींटियों के काम करने के आधार पर चींटियों को क्वीन आंट मतलब
रानी चींटी, वर्कर आंट मतलब श्रमिक चींटी, और सोल्जर्स आंट का मतलब होता है सैनिक चींटी भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थात उनके काम करने के आधार पर क्वीन आंट, वर्कर चांट, वर्कर आंट और सोल्जर आंट भी कहा जाता है। सॉल्ट और सॉल्टेड वाटर इज स्प्रिंकल्ड टू डिस्पर्स आंट्स, इसका मतलब कि चींटियों को बाहर भगाने के लिए नमक या नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है। अगर आपके घर में चींटियां हैं, ठीक है, और उससे बचाव करना है आपको, तो क्या करोगे, नमक डाल दोगे उनके आसपास या फिर नमक के पानी का छिड़काव कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, तितर भीतर हो जाएंगी चींटियां सब, है ना। दिस डेज इंसेक्टिसाइड्स इज आल्सो यूज्ड टू डिस्पर्स आंट्स, आजकल चींटियों को इधर उधर भगाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज किया जाता है, अर्थात कीटनाशक दवाइयों का। दिस इज हार्मफुल फॉर अस टू, यह हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होती है जो कीटनाशक दवाइयाँ जो होती है ना। बोर्ड पे एक तरफ वर्क्स ऑफ आंट है और नेम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स, इसका मतलब कि जो चींटियाँ ग्रुप में रहती है वो आपस में मिलजुल कर कार्य करती हैं और सभी चींटियों के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे क्वीन आंट का कार्य केवल टू ले एग्स अर्थात अंडे देने का कार्य होता है। फिर वर्कर आंट्स क्या करती हैं, ये एग्स का केयर भी करती हैं और साथ ही साथ में भोजन की व्यवस्था भी करती हैं, ठीक है, अर्थात भोजन ढूंढने का या भोजन लाने का कार्य करती है, कौन, वर्कर आंट। फिर सोल्जर आंट, इनका काम क्या होता है कि क्वीन आंट के द्वारा दिए गए अंडों की सुरक्षा करती है। तो इस तरह से किसी भी समूह में जो चींटियां हैं वो क्या करती है, मिलजुल कर आपस में कार्य करती हैं और सभी चींटियों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, क्वीन आंट, वर्कर आंट और सोल्जर आंट, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट फाइंड आउट एंड टेल व्हाट आर द प्लेसेस अराउंड यू वेयर देयर आर मोर नंबर ऑफ आंट्स कॉलोनीज, इसका मतलब आपके आसपास किन किन जगहों पर चींटियों के घर अधिक संख्या में हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम आंट्स, इसका मतलब कि भोजन को चींटियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं, अर्थात आप लोग भोजन को चींटियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट, डिम्पल वॉज टेलिंग टू हर मदर, दादी अम्मा हु लिव्स इन आर नेबरहुड फीड आंट्स विथ केसर इन द गार्डन, इसका मतलब कि जो डिम्पल है वो अपनी मदर से कहती है कि जो अपने पड़ोस में दादी अम्मा हैं वो अपने बगीचे में चींटियों के घर पर आटे का जो कसार होता है उसे डालती है, ठीक है। Why does she do that? तो डिम्पल जो है वो अपनी माँ से पूछती है कि वो ऐसा क्यों करती है। Mom said to her, तो मम्मा जो है डिम्पल की वो डिम्पल को बताती है, Some people feed ants by giving them mixtures of घी, sugar and flour. इसका मतलब कि कुछ लोग घी, चीनी और आटा तीनों मिक्स करके चींटियों को डालते हैं। दे फील दैट दिस लिविंग बींग्स शुड बी प्रोवाइडेड फूड, इसका मतलब कि उन्हें लगता है कि जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए,
तो लोग चींटियों को भोजन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें उन्हें भोजन देना चाहिए या उनके लिए हमें भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरह से पेज नंबर 67 तक आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है इसका एंड। तो अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया है वो सब क्या करोगे, आप रीडिंग लगाओगे और जो क्वेश्चन आंसर्स आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं वो की कॉपी में इसको लिखना एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।